हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंट ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, हमने बात किया था फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, हमने पहले के दूसरे वीडियो में अपलोड किया था व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। तो ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली ये अंडर है फार्माकोकाइनेटिक के। और फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं एडीएमई के बारे में। एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की। तो ट्रांसपोर्ट मतलब होता है जब कभी भी हम किसी ड्रग को किसी भी रूट से उसके डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम उसको उसके रूट से लेते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम उसको ओरल रूट से लेते हैं, अगर ड्रग हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म के फॉर्म में है, तो अगर हम जिसको ओरल रूट से लेते हैं तो ओरल रूट से लेने के बाद आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन वो ड्रग आपके उस साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि जीआईटी से स्टार्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए अल्टीमेटली ब्लड तक पहुंचता कैसे है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो हम इसको सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड वाया डिफरेंट पैरामीटर्स एंड मैकेनिज्म, अल्टीमेटली वो रीच करेगा साइट ऑफ एक्शन पे। तो हम इन तीन चीजों को अच्छे से डिफाइन करने के लिए इनको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस जगह से हमने उसको एडमिनिस्टर करना स्टार्ट किया है, दिस इज कॉल्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम बात करते हैं ब्लड स्ट्रीम, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई भी ड्रग अल्टीमेटली किसी भी रूट से देने के बाद पहुंचेगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, देन ओनली वो ब्लड के साथ डिजॉल्व होकर के थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ब्लड स्ट्रीम मतलब कहने का है कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा सर्कुलेट होने के लिए। फिर हम बात करते हैं साइट ऑफ एक्शन की। साइट ऑफ एक्शन मतलब किस पर्टिकुलर जगह पे, किस रिसेप्टर पे जाकर के उसको बाइंड होना है, ताकि वो बाइंड होने के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद वो अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो इनिशिएट कर सके। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू इट्स साइट ऑफ एक्शन वाया ब्लड स्ट्रीम एंड बाय फॉलोइंग एनी ऑफ दिस पाथवे और मैकेनिज्म। तो चलिए हम बात करते हैं कि ड्रग किन किन पाथवे या मैकेनिज्म या डिफरेंट पैरामीटर्स को शो करते हुए अपना एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचता है और अपना एक्शन शो करता है। हम बात करते हैं बेसिकली तो पॉइंट वाइज पहले कवर कर लेते हैं। हम देखेंगे ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू मूव करता है, बल्क फ्लो के थ्रू मूव कर देंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कोई भी ड्रग अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, जिसके बारे में हमने छोटा सा वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है। फिर हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस की, और कभी कभी किसी बुक में एक्सोसाइटोसिस को भी अलग से देता है, बट हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों को साथ में मिला करके। साथ ही इन पांच पॉइंट को समझने के लिए हम बात करेंगे उनके रेस्पेक्टिव डायग्राम से कि कैसे कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ताकि वो अपना मॉलिक्यूल एक्शन शो कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैकेनिज्म से, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन कहने का मतलब ये है, नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए, एक है पैसिव और दूसरा है डिफ्यूजन। हाल तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करना, जब तक कि दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, दोनों होमोजेनाइज कंडीशन में ना आ जाए, दिस इज कॉल्ड सिंपली डिफ्यूजन। अब इसके जो पहले वर्ड लगा हुआ है दैट इज पैसिव, पैसिव मतलब होता है विद द फ्लो ऑफ। विद द फ्लो ऑफ मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की तो आवश्यकता नहीं होगी, बट ये पूरा प्रोसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल, जब तक कि दोनों तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर या हायर कंसंट्रेशन से सेल की ओर जो मूव कर रहे हैं ड्रग का, इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये ड्रग मूव करेंगे विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी। मतलब सिंपल सा है, दिस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, एनर्जी की इसको आवश्यकता नहीं होती पैसिव डिफ्यूजन के केस में। अगर हम बात करते हैं दूसरा, दैट्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एज लाइक वी यूज टू फिल्टर एनीथिंग इन आवर डेली लाइफ। फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम हायर मॉलिकुलर वेट या हायर मॉलिकुलर साइज के पार्टिकल को उनके अकॉर्डिंगली लोअर मॉलिकुलर वेट या लोअर मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल से सेपरेट करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में दो चीज़ें याद रखनी जरूरी हैं। पहला है कि वे उन मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है जिनका मॉलिकुलर वेट 100 से कम होगा, और हम बात करते हैं तो अगर वो जो 7 आर्मस्ट्रॉन्ग के
पोर्स से पास आउट होंगे वो फिल्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो बेसिक एग्जांपल है यूरिया और इथिलीन ग्लाइकोल का जो फिल्ट्रेशन है वो इन्हीं के थ्रू होता है, थ्रू ग्रोमुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, किन तरीके से होता है, तो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का सेल मेम्ब्रेन है, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो उनके पोर्स प्रेजेंट होंगे। उन पोर्स के थ्रू होते हुए हमारे ड्रग मॉलिक्यूल, अगर उनका मॉलिकुलर वेट 100 से कम है तो वो आराम से उन पोर्स से होते हुए नीचे आ जाएंगे और फिल्टर होंगे। जिन भी ड्रग का मॉलिकुलर वेट 100 से ज़्यादा होगा वो उस पोर से होते हुए बाहर से अंदर यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर नहीं आ पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है जैसा हम डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पहले एक बल्क ट्रांसपोर्ट रखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड बल्क फ्लो। बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये है कि जो पोर साइज था आपके फिल्ट्रेशन में वो आपने देखा 7 आर्मस्ट्रॉन्ग के पोर साइज थे, बट अगर हम बात करते हैं बल्क फ्लो की तो जो पोर साइज होंगे वो अबाउट 40 आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। तो ड्रग मॉलिक्यूल तो उन्हीं पोर से करके आएंगे बट जो पोर की कैपिलरी है उनका साइज ज़्यादा होगा, उनकी ओपनिंग की विड्थ ज़्यादा होगी, दैट इज अबाउट 40 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहर से एक्स्ट्रासेलुलर से अंदर आ सकते हैं इंट्रासेलुलर की ओर। तो ये दो बेसिक अंतर हैं आपके फिल्ट्रेशन में और बल्क फ्लो में। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल विच रिक्वायर एनर्जी, मतलब ये होता है कि ये एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं और ये रिक्वायर एनर्जी के साथ साथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। अगर कोई चीज़ विद द फ्लो होगा तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। जो कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी नदी में कोई चीज़ें फ्लो नदी फ्लो हो रही है उस पर अगर हम किसी चीज़ को डालते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू फ्लो अगर जाएगा तो इसके लिए कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। बट अगर कोई अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। और हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एनर्जी रिक्वायर करता है, मतलब ये सीधा सीधा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा होगा। तो ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल की तो दो ड्रग हमारे लिए एग्जाम्पल के यहाँ पर कोट किए हैं। पहला ड्रग है लिवोडोपा और दूसरा है मिथाइल डोपा। ये दोनों ड्रग हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना मूवमेंट शो करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, देन अल्टीमेटली अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ये दो एग्जाम्पल जीपैड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों में, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, फार्मासिस्ट एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी और की फैसिलिटी से ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स उस ड्रग का मूवमेंट हो रहा हो, दैट्स कॉल्ड कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह चले के जाते हैं, दैट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर का मतलब ये है कि वो उसको कैरी करें और एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर लेकर के आए, क्योंकि उस ड्रग के अंदर, उस ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर खुद की कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि वो ड्रग बाहर से अंदर आ सके, या तो वो लिपोफिलिक नहीं है या उसके साइज ज़्यादा है, तो उनको क्रॉस करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी यानी कि कैरियर की आवश्यकता होगी जो उसको बाहर से लेकर के अंदर आ सके। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की या ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल के लिए हमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स कॉल्ड नीड कैरियर, इसको कैरियर की आवश्यकता होगी। दूसरा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ये भी पहले जैसा हमने देखा था वही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की तो अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, ग्लूकोज का सेल के द्वारा अपटेक कर लिया जाना, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है और इसमें हमको कैरियर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं इनका वेट या उनका जो साइज है वो मैक्रो मॉलिक्यूल ट्रीट करते हैं और उनको एज सच बाहर से अंदर नहीं लाया जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स। फिर हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हम दोनों को मिला करके चल रहे हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हो या एक्जेनोबियस हैं, वो आपके सेल के द्वारा इंगल्फ कर लिए जाएंगे, बाहर से अंदर यानी कि इंगल्फ कर लिए जाएंगे सेल के द्वारा, वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और इसी का उल्टा, अगर सेल के द्वारा वो चीज़ बाहर रिमूव किया जा रहा है तो वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में दो टाइप होते हैं, पहला होता है पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई सेल किसी लिक्विड मॉलिक्यूल को इंगल्फ करता है तो वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस, बिकॉज पिनो मतलब पीना और हम किसी भी लिक्विड चीज़ों को पीते हैं, इसलिए पिनोसाइटोसिस मतलब सिंपल सा है किसी भी लिक्विड चीज़ों को, लिक्विड ड्रग को इंगल्फ करना बाय द सेल। और अगर वो चीज़ सॉलिड पार्टिकल में होगा तो वो कहलाता है फैगो। फैगो मतलब होता है खाना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एक्सोसाइटोसिस या एज वेल एज इन एंडोसाइटोसिस की। तो ये है सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड एज वेसिकल्स। जो सेल मेम्ब्रेन हमारे होते हैं वो वेसिकल्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि वो उस फॉरेन सब्सटेंस को यानी कि ड्रग को या किसी अदर सब्सटेंस को इंगल्फ कर सके। फिर इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड वाला, वो ड्रग मॉलिक्यूल आर गेट इंगल्फ।
सेल के मेम्ब्रेन के साइज के चेंज होने की वजह से वो ड्रग मॉलिक्यूल सेल द्वारा इंगल्फ हो जाते हैं, अंदर ले लिए जाते हैं और उनका फिर फर्दर यूज किया जा सके। और ये पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस इसके दो मेन टाइप हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से, जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट की या पैसिव डिफ्यूजन की। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में दो ड्रग मॉलिक्यूल इजिली एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर आ रहे हैं, हालांकि दोनों में एक का डिफरेंस है, दिस इज वाटर सोल्यूबल ड्रग एंड दिस इज लिपिड सोल्यूबल ड्रग। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजिली एंटर कर रहा है एज वेल एज वाटर सोल्यूबल ड्रग भी इजिली क्रॉस कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहां पे ड्रग का कंसेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर पे ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर ड्रग कंसेंट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, यहां पे कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जस्ट सच अकॉर्डिंग टू फ्लो या अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर मूव कर रहा है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ वन, हमारा फोर्थ वन था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की। तो आप इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आराम से देख सकते हैं इसमें कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज कैरियर, और ये कैरियर इस ड्रग को एक्सेप्ट कर रहा है, ड्रग के साथ इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, देन कैरियर मॉलिक्यूल अपना ओरिएंटेशन या रोटेशन के वजह से सेल के बाहर की ओर मूव को चेंज करते हुए इसका मूव सेल के अंदर की ओर हो जाता है और ये ड्रग मॉलिक्यूल को यहां से रिलीज करते हैं। ये सेल का जो शेप है वो इस तरह से रोटेट होने की वजह से सेल अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है और ड्रग को बाहर रिलीज करता है। ये दो तरीके से यूनिडायरेक्शन में मूव करते हैं, बाई डायरेक्शन में सॉरी, ये ऑक्यूपाइड होने के बाद अनऑक्यूपाइड होंगे, रिलीज करेंगे, देन वापस बैक टू देयर ओरिएंटेशन के पहले की ओर आ जाएंगे ताकि ये एक्स्ट्रा ड्रग को और वापस से एक्सेप्ट कर सकें। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हमारा थर्ड पॉइंट था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिपेंड करता है एनर्जी पे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ भी यूज होंगे, बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीपी इन्वॉल्व हो रहा है जो कि एडीपी में फॉर्मेशन कन्वर्ट कर रहा है, और ये ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर मूव कर रहे हैं, दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे एटीपी और एडीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब ये है एनर्जी डिपेंडेंट। फिर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज एक्सोसाइटोसिस एज वेल एज एंडोसाइटोसिस। बट ये जो डायग्राम है वो है एंडोसाइटोसिस का, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो चुका है वेसिकल्स में, और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये ओपनिंग के थ्रू इंगल्फ कर रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है। अगर हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस की तो यही टर्न हो जाएगा और सेल के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सेल बाहर से निकाल देगा और ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। बट हमने यहाँ पर डायग्राम जो बनाया है दिस इज फॉर एंडोसाइटोसिस ओनली। फिर हम बात करते हैं बल्क और फिल्ट्रेशन की, तो इन दोनों डायग्राम में आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर होगा कि अगर आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स के पोर बचे हुए हैं, सेल्स के जो पोर हैं वो इनका साइज स्मॉल है, लगभग 7 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास हैं, तो दिस इज फिल्ट्रेशन, और इसमें वही मॉलिक्यूल क्रॉस करके बाहर से अंदर आ पाएंगे जिनका साइज 100 मॉलिक्यूलर वेट से कम होगा। बट अगर हम बात करते हैं बल्क फ्लो की तो इसमें जो सेल के बीच का कैपिलरी है इसका साइज 40 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होगा, तो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल भी सेल के बाहर से अंदर आ सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बल्क फ्लो है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस कैन कम थ्रू आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो हमने आज बात किया सिंपल वे में, बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट नोट के हिसाब से बात किया है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल। बात करते थे हमने ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इसके ऊपर एक समरी वाइज, टेबल वाइज, फ्लो चार्ट के फॉर्म में PDF अपलोड किया हुआ है, आप उस चाहे तो उस PDF को हमारे फेसबुक ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज नो सच कॉस्ट इन दिस केस, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टे सपोर्टिव। थैंक यू।